मराठी फिल्म तो मेरी पहली होगी, लेकिन फिर भी मैं देख सकूंगी। अभी मैं हिंदी में काफी नहीं हूं, तो मैं मेरे हिसाब से डेफिनेटली यही वजह है इनफैक्ट कि अगर मैं कम पिक्चरें भी कर रही हूं, अगर मेरी कम पिक्चरें भी रिलीज हो चुकी हैं, मुझे लगता है जो भी रिलीज हो चुकी हैं लोगों ने काफी हद तक पसंद की है, और कम की है लेकिन मैंने काफी अच्छी पिक्चरें करने की कोशिश की है। फाइनली लोग किस हद तक वो पसंद करते हैं और पिक्चर कैसी बनती है, ये पूरी तरह से एक आर्टिस्ट नहीं कह सकता, क्योंकि उसमें डायरेक्टर, अदर आर्टिस्ट, टेक्नीशियंस, इनका बहुत हाथ होता है। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अच्छे टाइप के पिक्चरें और उसमें मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो अच्छा कुछ करूँ। तो यही वजह है कि मैं अगर कम भी कर रही हूँ तो क्वालिटी वाइज अच्छी कर रही हूँ। तो हिंदी में भी यस, डेफिनेटली मैं जहां तक हो सके, एक न्यू कमर जहां तक कर सके, मैं डेफिनेटली इन सारी चीजों पे भी ध्यान जरूर रखती हूँ। मेरी रिलीज पिक्चरें ही 5 नहीं है, क्यों, फिर भी आई ट्राई। पहली बात तो ये है कि मुझे कभी अपना काम स्क्रीन पे पसंद नहीं आता, कभी भी नहीं। सारी पिक्चरें मेरी रिलीज पकड़ी है तो भी 5 नहीं होती है, मैंने एज ए हीरोइन। अगर पहले से बोलना हो तो मासूम, ऑफकोर्स मासूम में क्या है, एक पर्टिकुलर सीन है जो करते वक्त मुझे पता नहीं चला क्या मैं कर रही हूँ। सेट पे काफी सन्नाटा छाया हुआ था और मुझे बताया गया कि यू आर सपोज टू ओपन द डोर, दरवाजा खोल के आपको आके मम्मी इतना ही कहना है। तो मैंने, ये क्या बात हुई, सडनली मैं इतनी सीरियस क्यों हूँ? तो मैंने सर कि बेटे देखो, आपको मालूम है कि आपके मम्मी डैडी में कुछ झगड़ा हुआ है, लेकिन आपको नहीं मालूम क्या है, बहुत चोरों शोर है और आपके घर में झगड़े नहीं होते कभी, यू आर अ वेरी हैप्पी फैमिली। पहली बार आप एज ए हीरोइन जब कैमरा फेस करते हो और इस टाइप का कैरेक्टर सडनली प्ले कर रहे हो, इतने बड़े पैमाने पे आप एक सेट पे हो और आप काम कर रहे हो, तो मुझे लगता है काफी हद तक मैंने अच्छा हैंडल किया है वहाँ। चमत्कार में माय गॉड, द ओनली थिंग आई एंजॉयड द मोस्ट वाज ये बिच्छू मुझे काट खाएगा। बहुत ही हम लोगों ने उस गाने के पिक्चराइजेशन के वक्त पहले दिन से लास्ट दिन तक बहुत मजाक किया। मुझे आके शाहरुख को एक किक मारनी थी, जैसे मैं आती हूँ कैमरे में, मुझे मैं किक मारती हूँ, मैं कुछ इसको कहती हूँ बदतमीज वगैरह से कुछ, तो मुझे इतना डर लग रहा था कि 2 मिनट पहले मेरी उससे मुलाकात हुई थी और नेक्स्ट शॉट में मैं उसे डायरेक्टली किक कर रही हूँ। मैं आती थी वहां तक कैमरा तक, मैं कहती नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। फिर फाइनली ही सेड लाइक उर्मिला इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, लाइक यू सपोज टू किक इन द शॉट, क्या प्रॉब्लम है, इट्स ओके, ओके एंड ऑल। देन आई केम एंड आई रियली किक्ड। देन द्रोही, इस पिक्चर के वक्त एक बहुत सॉलिड हादसा हुआ था, भयानक हादसा हुआ था। कि क्या हुआ, हम लोग श्रीलंका में शूटिंग कर रहे थे और हम लोग बीच पे थे और एक बहुत बड़े रॉक के ऊपर मैं और नागार्जुन बैठे रहते और कैमरा प्लेन में था, तो हमें बताया गया था जो भी करना है, हम लोग बैठे और मेरी बैक समुद्र की तरफ थी, मैं देख नहीं सकती थी। और जैसे कैमरा हम लोग के ऊपर आया, मुझे कुछ समझने के पहले सडनली मैं उड़ी और ढप मैं गिरी, क्योंकि एक लहर इतनी जोर से मेरे ऊपर आई ढप कि वो पानी का फोर्स इतना बहुत ज्यादा था कि मैं बहुत जोर से मैं नियरली फेंकी गई बहुत दूर और सडनली मैं गिर गई और मैं बह रही थी पानी में। दैट वॉज ऑल आई कुड मेक आउट। और नागार्जुन जो कि मेरे कोस्टार है उसमें, उन्होंने काफी ही वॉज रियली हेल्पफुल कि उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने मुझे बचाया और मुझे पकड़ा और ऊपर से मुझे तैरना नहीं आता। और फिर श्रीमान आशिक, याहू एकदम, उस फिल्म में तो बहुत सारे मेमोरेबल ऐसी चीजें हैं जो मैं बता सकती हूँ। जैसे कि पहली बार मैंने इतने बड़े आर्टिस्टों के साथ जब मैं काम कर रही थी, जैसे ऋषि जी हैं, अनुपम जी हैं, वो बता सकती हूँ। और फिर एक जरूरी बात है कि एक गाने हैं पिक्चर में, इससे ज्यादा दुखना कोई, उसमें एक सीक्वेंस आता है जहां पे मैं वहां जाती हूँ, जहां पे हम लोग दोनों एक बार जा चुके हैं, उस बंगले में जाती हूँ और वहां पे मेरा एक डांस सीक्वेंस था और हम लोग शूटिंग ऊटी में कर रहे थे। गजब की ठंडी थी और दिन में हम लोग डुएट सॉन्ग करते थे और विदाउट चप्पल में नाचती थी पूरे दिन भर। वो सब होने के बाद रात में ये होता था और मुझे भरतनाट्यम का थोड़ा सा सीक्वेंस करना था। एक तो मैंने डांस सीखा नहीं है, मुझे भरतनाट्यम आती नहीं है और ऐसा लगना चाहिए था कि मैं बहुत, मुझे वो सब यादें आ रही है और मुझे बहुत दुख भी हो रहा है और उस इन अ फ्रेंजी यू नो मैं डांस कर रही हूँ।
तो कुछ ऐसा सीक्वेंस था और उतना इंटेंसिटी आना बहुत जरूरी था. तो माई गॉड दैट वॉज द टाइम. मैंने इतना हार्डवर्क किया है उस छोटे से सीक्वेंस के लिए. ओ माई गॉड.